सो हे कंज्यूमर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्मार्टफोन के बारे में जिनका कैमरा आपको टॉप नॉच लेवल का देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सके और साथ ही उनकी प्राइसिंग 15,000 तक की रेंज में आ जाती हो। वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखें, जिससे आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन सेलेक्ट कर पाएं। और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर से एक लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आप हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना कर सके। और बात कर लेते हैं हमारे इसके नंबर 5th स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 4G। अगर आपका बजट 12 से 13 हज़ार तक की रेंज में है, तो आपके लिए यही स्मार्टफोन एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा रियर में देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में भी इसमें आपको 16 मेगापिक्सल के सेल्फी फिल्टर देखने का भी सपोर्ट मिल जाता है। 1080p में इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इसके आप किसी भी कैमरा से 4K करके वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बट फोटो क्वालिटी आपको इसमें एकदम तगड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.43 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 90Hz के पार्सिफ रेट को। एंड इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 180Hz तक का टच सैमसंग नेट का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और डिस्प्ले के प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें आपको कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्ले आपको एकदम टॉप नॉच लेवल का देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G96 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक 4G प्रोसेसर है। आउट ऑफ द बॉक्स ये आपको एंड्रॉइड 11 पर रन करते हुए मिलेगा। एंड स्टोरेज टाइप इसमें आपको 2.1 देखने के लिए मिल जाएगी। 5000mAh तक इसमें बड़ी बैटरी मिल जाती है। एंड 33W का भी चार्जर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें, इसका 6120 रेंज आपको करेंटली 12,999 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। वीडियो में थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं और बात करते हैं हमारे इसके नंबर 4 स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है रियलमी की तरफ से, Realme 9 4G। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा रियर में देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में भी 16 मेगापिक्सल के सेल्फी फिल्टर देखने का सपोर्ट मिल जाता है। इसके मेन कैमरे में आपको सोनी IMX476 का सेंसर यूज किया गया है। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी आप 4K तक के वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बट फोटो क्वालिटी इसमें आपको भी तगड़ी देखने के लिए मिल जाती है। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.43 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को। डिस्प्ले में इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट इसका प्रोसेसर आपको उतना खास देखने के लिए नहीं मिलता। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 680 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक 6 नंबर बेस्ड 4G प्रोसेसर है। बट गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने का सपोर्ट मिल जाता है। 5000mAh तक की इसमें आपको बड़ी बैटरी मिल जाएगी एंड 33W का भी फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें, इसका 8128 वेरिएंट आपको 14,999 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। अब आता है हमारे लिस्ट के नंबर 3 स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है मोटोरोला की तरफ से, Moto G72। अगर आपको कोई क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें आपको कोई भी एड्स वगैरह देखने की झंझट ना मिले, तो आपके लिए ये स्मार्टफोन एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में भी आपको इसमें 16 मेगापिक्सल के सेल्फी फिल्टर देखने का सपोर्ट मिल जाता है। इसके कैमरे से भी आप 4K तक के वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बस इसमें आपको 1080p का ही सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। डे लाइट में इसकी फोटो क्वालिटी एकदम काफी तगड़ी देखने के लिए मिल जाती है, बट लो लाइट में इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम देखने के लिए मिल जाएगी। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.6 इंच के फुल HD OLED स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक 10-bit डिस्प्ले है। डिस्प्ले के मामले में यह स्मार्टफोन काफी तगड़ा निकलकर आ जाता है। साथ ही इसमें आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G99 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक लेटेस्ट न्यू प्रोसेसर है। एंड गेमिंग के लिए थोड़ी एकदम अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो इसमें आपको। 5000 तक की इसमें आपको बड़ी बैटरी मिल जाएगी एंड 33W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने के लिए मिल जाता है। एंड फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो इसका 6128 वेरिएंट आपको करेंटली 14,999 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे लिस्ट नंबर 2nd स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है पोको की तरफ से, पोको X4 Pro। अगर आपको कैमरा के साथ साथ एकदम ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए 15,000 तक की रेंज में, तो आपके लिए ये स्मार्टफोन एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको 6.6 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को। डिस्प्ले के प्रोटेक्शन में इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का V5 प्रोटेक्शन दिया गया है एंड 8.1mm की थिकनेस देखने के लिए मिल जाएगी। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। इसमें आपको 15,000 तक की रेंज में आने वाला सबसे पॉपुलर प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक 6 नंबर बेस्ड एक 4G प्रोसेसर है, सॉरी आई मीन 5G प्रोसेसर है। 5000 तक की इसमें आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है एंड 67W का सोनिक चार्जर बॉक्स में ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा स्टेप की। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में भी इसमें आपको 16 मेगापिक्सल के सेल्फी फिल्टर दिए गए हैं। इसके फ्रंट कैमरे से आप 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे।
इसका कैमरा आपको काफ़ी तगड़ा देखने के लिए मिल जाता है। एंड फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका 664 वाला वेरिएंट आपको करंटली 15,499 का ऑफर देखने के लिए मिल जाता है, बट ऑफर या फिर फेस्टिवल्स में इसकी प्राइसिंग अप एंड डाउन होते रहती है। तो फाइनली अब हम बात करने वाले हैं हमारे लिस्ट के नंबर वन स्मार्टफोन की, जो क्या था इन्फिनिक्स तरफ से इन्फिनिक्स 020। ये स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च किया गया है और स्पेशली कैमरा को ही देखकर डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसके कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन के कैमरा सेटअप की। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसके फ्रंट में आपको 60 मेगापिक्सल का सेल्फी सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको OIS का सपोर्ट है, जिसकी वजह से आप इसमें 2K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके वीडियो में आपको क्लियरिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। स्पेशली ये स्मार्टफोन ब्लॉगिंग के लिए काफी यूज हो सकता है, क्योंकि इसके फ्रंट कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। इसमें आपको MediaTek का Helio G99 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक 4G प्रोसेसर है एंड नॉर्मल गेमिंग के लिए आराम से यूज हो सकता है। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को। बट इसके डिस्प्ले आपको आउटडेटेड लग सकती है, क्योंकि ये डिस्प्ले वही पुरानी नॉच वाली डिस्प्ले के साथ आती है, जिससे आपको थोड़ी डिसअपॉइंट लग सकता है। एंड एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। एंड फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका 8120 का रेंट आपको करंटली 15,999 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन अंडर 15,000। आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट लगा आप पर्सनली मेरे से पूछते हैं, तो मैं पोको X4 प्रो को चूज करता, क्योंकि इसमें आप मुझे कैमरे के साथ साथ काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे एक तगड़ा प्रोसेसर एंड डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं उसी को चॉइस करता। और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से एक लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।